नमस्कार, आप देख रहे हैं द राज धर्म। आपके साथ मैं हूं अदिति। इस वक्त हम अमेठी में हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस ही विकल्प अभियान की भी शुरुआत कर दी है, यानी कि वो ये बताना चाहती हैं कि अब कांग्रेस ही विकल्प के रूप में जनता के सामने आ रही है। अमेठी की जनता से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ओम प्रकाश शुक्ला जी। क्या चल रहा है, मतलब गांधी परिवार के बारे में बोलूं अगर प्रियंका गांधी ने बोल दिया है कि कांग्रेस ही विकल्प अभियान, तो अगर मैं पूछूं गांधी परिवार का शासनकाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कैसे थे, क्या था? सब ठीक थे लेकिन गाढ़े दिन पर कोई नहीं खड़ा हुआ। अच्छा। जैसे सरकार है ऐसे थी पहले, अब सरकार ठीक है, लेकिन उस समय जिस समय उनकी सरकार थी किसी को कोई सुविधा नहीं मिली है। सत्य तो ये है, इनके घर के 3 लाश पड़ी थी धमौर था मुंशीगंज, वहाँ गौरीगंज थाना में, आइए भैया गौरीगंज थाना में, हम लोग गांव के वहाँ 10-20 आदमी थे, वहाँ रुकवाए पीएम को, वो वहाँ लाश के पास गए, लाश देख करके सीधा पीछे। कौन को लाश के पास गए थे? राहुल गांधी लाश के पास गए, लाश देखे और देख करके ये नहीं कहे कि हम इसको कुछ राहत देंगे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। वहीं से काफ़ी लोगों के आदमी के मन में दूसरा भाव हो गया, छोड़ छाड़ दिए, छोड़ छाड़ के सीधा अपना दूसरी रास्ता अपना लिए, दूसरे सरकार में चले गए। यही सब प्रॉब्लम आते थे ऐसे अस्पताल से निकले सीधा अमेठी निकल जाए, कभी किसी के गांव में नहीं गए, ना किसी से कोई बात किए। वहाँ मिलने जाओ तो वहाँ उनके यहाँ के पुलिस दरोगा लेके लाठी खड़े रहते हैं, उनसे कोई मिलने नहीं देता है, बात नहीं करने देता है, जैसे समझ पड़ता है कि हम ही उसकी बार राहुल गांधी हैं। पुलिस दरोगा हमारे यहाँ के नेता हो, अगर आप आए हो हम आपसे मिलना चाहते हैं तो आप मिलिए, तो कोई समय नहीं, कोई नहीं मिल पाया है यहाँ का, क्या करें हम परेशान हैं उनसे। आज इसीलिए वो यहाँ से हार गए, हार के चले। लेकिन प्रियंका गांधी तो कह रही हैं अब कांग्रेस विकल्प। हम कहते प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मरे थे, राजीव गांधी मरे थे राजीव गांधी मरे थे तो उसकी बाद में वो उतरे थे लड़ाई में, क्या कहते हैं बलेरा, क्या कहते थे उनको, अरे वो सतीश शर्मा, वो यही वजह से जीते कि जो ये काम किए नहीं है वो मैं पूरा करूंगा। वो भी 5 साल मंच पे सीधा बोले थे कि अमेठी की जनता बिकाऊ है, अमेठी की जनता बिकाऊ है, पैसे पर बिकती है, पैसे से वोट मैं खरीदता हूँ, इसमें कोई काम नहीं है। अच्छा, तो जी अच्छा, इनके परिवार के लोग थे, इनके परिवार के लोग तब नहीं, तब इनके परिवार के लोग की बात आई। अच्छा, इनसे पूछ लीजिए। और हम सब उस समय लाश के साथ थे, एक्सीडेंट के साथ थे, सब कुछ, 3 आदमी इनके मरे थे। मैं आपके पास आती हूँ, मैं इनसे पूछूँ जी, कौन लोग थे जिनकी? हमारी पत्नी थी, हमारा लड़का था, बेटी थी। कैसे खत्म हुआ? एक्सीडेंट से। अच्छा, ट्रक से, सड़क हादसे में? हाँ, सड़क हादसे में। तो राहुल गांधी आते थे वहाँ, जबरदस्ती रुके फिर वापस चला गया, गाड़ी बढ़ा के पुलिस वाले धक्का मार के बगल करके और सीधा चला गए मुंशीगंज। कोई कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, कोई मुआवजा कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। कौन मदद किया आपकी? रानी अमिता सिंह, अमिता सिंह। अच्छा, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं, फिर अमिता सिंह गाड़ी पकड़वाई थी। अच्छा, ये कोई किसी किन्नर की बात कर रहे थे? किन्नर आई थी, वो अब उसका नाम नहीं पता, किन्नर घर पर आई थी। हाँ, अमिता भी आई थी वहीं घर पर, एसओ को फोन किया था कि उसको गाड़ी 24 घंटा में पकड़ी जाना चाहिए, तो 24 घंटा में पकड़ी गई गाड़ी। बताइए, राहुल गांधी यहाँ पर आए और बिना कुछ किए चले गए, एक किन्नर के द्वारा इन तक मदद पहुँचाई गई, और लोगों से बात करेंगे? हाँ जी, ऐसा था कि वो एक्सीडेंट हुआ, बच्चा मर गया, औरत मरी, लड़की मरी, लड़का मरा, गौरीगंज थाने में लाश रखी गई, चीर घर जाएगी, बिना चीर घर से तो मिलेगी नहीं। राहुल गांधी आ रहे थे, मीडिया उनके साथ थी, रुकवाया गया बहुत ज़बरदस्ती, सब कहे रुकवाओ, कुछ यहाँ के हैं कुछ राहत देंगे, सबको ये सही मौजूद साथ में, उनको रुकवाया गया, लाश के पास गए देखे और देख करके उनके जवाने जो थे साथ में उनको ले जाके गाड़ी में बैठा दिए, सीधे चले गए, कोई भी एक लफ्ज नहीं बोले कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ऐसे नेता को क्या करें हम लोग? तो कैसे अमेठी की जनता ने इतने सालों से गांधी, बस यही भूल बस, बहुत पहले तो सही रही। हाँ। अमेठी जनता बहुत सही रही पहले। हाँ। कई बाद में बिगड़ा ही सब काम, वो नहीं की वजह से। हाँ, नहीं की वजह से। हाँ, नहीं, बहुत सहयोग दिन जात रहा। किनकी वजह से काम बिगड़ा? अभी कितना बना दही, कितना गरीब का खेती बाड़ी दे दही। हाँ। हर चीज दही, इंदिरा गांधी जितने की कुछ नहीं कहे। ये तो यह कहा कि बस
हम जीता बैठा है। अच्छा, कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी बड़े बड़े का। अब तो बहन भी आ रही है, बड़े बड़े का पूजा कर लेते हैं, छोटे कुछ नहीं पाते। हम लोग मिलने नहीं पाते, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं हम विदेश यात्रा में हैं, और उनके जो चिलांडू होते हैं चमचे, नोट खाते हैं कमीशन घूस, वो हमको वहाँ तक उनके पास जाने नहीं देते। अच्छा। हमारी कोई सुनने वाला नहीं। आज मेरा गांव जो है पहला आप ये छापी है कि कर्मचारी सफाई है, हमारी नाली बजबजा रही। क्यों सरकार बेवकूफ नहीं है क्या है? जो पगार दे रही उनको गलत है कि सही है? वो प्रधान छुपा लेते हैं, कुछ पा जाते हैं हजार दो हजार, हर ग्राम की यह दशा है। तो क्यों सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ नियुक्त किया गया? आज हम बजबजा रहे हैं नालियों में, सड़ रहे हैं, गंधा रहे हैं। अच्छा, तो क्यों सफाई कर्मियों को सरकार दे रही है नोट? तनख्वाह क्यों दे रही है? हम लोग बेरोजगार हैं, LLB किए हैं, बेरोजगार हैं। बोलिए तो LLB किए हैं और तो आपने तो अपन भाषा ज्ञाता हूँ। सुनो, मेरा नाम SP बलौरा मिश्र है, अमेठी। अच्छा। हाँ, और 65 बीघा जमींदार भी हूँ। अच्छा जी, बोलो आगे बोलो। क्या आपने तो सारे काल देखा होगा, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। बछवा जब खत्म भाई यहाँ से गाय बछवा वह जनसंघ तोड़े हैं राजा रणंजय सिंह। राजा रणंजय सिंह ने, हाँ राजा हमारे रणंजय सिंह 14 कोस के राजा साहब थे। उन्होंने कक्षा 1 से लेकर 16 तक कॉलेज खुलाया। इन्होंने व्यवसाय बना लिया राजनीति को। किन्होंने? कांग्रेस पार्टी, जिनकी सरकार है कांग्रेस पार्टी। किसी को रोजगार नहीं दिया है भाजपा, एक पैसे का नहीं दिया है रोजगार। क्या भाजपा कहूँ क्या? ये तो 4 चवन्नी है 1 रुपए के, वो कह पेट भर गया खाई गया, कही साहबा तू कमा लिया। नहीं तो आप अगर कही साहबा तू कमा लिया, ये हम लोग अब चूतिया नहीं बनेंगे। अच्छा, हमारी जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है। कहाँ जनता में काम करेगा उसी को जिताएंगे, चैलेंज दे रहा हूँ। तो अमेठी की जनता 70 सालों से गांधी परिवार को क्यों जिता रही थी? झूठी गोली देता रहा और विदेश यात्रा बताता रहा बराबर, और उसको विदेशी कह के लोग शर्मिंदा कर देते हैं, वो बेचारा बोलता नहीं। अच्छा, हाँ तो आप तो कह रहे हैं अमेठी की जनता पढ़ी लिखी है, फिर क्यों? फिर फिर क्या, अब पढ़ी लिखी हो रही है जागरूक। अच्छा। अभी तक शिक्षा का अभाव था हमारे यहाँ, एक कच्ची सड़क थी कांकड़ की। तो 14 कोस के राजा हर 8 दिन मीटिंग करवाते थे, उनके यहाँ मंत्री रखे जाते थे। इलाहाबाद से आए कोई मिलने वाले संजय सिंह से, पहरेदारों से कहा हमको राजा साहब से मिलवाइए संजय सिंह से। पहरेदार गया महाराज, बताया उनसे रणंजय सिंह से, रणंजय सिंह ने कहा संजय गया है वहाँ मंत्री बनने, कहाँ लखनऊ, और मैं राजा हूँ 14 कोस का। अच्छा। और मेरे यहाँ मंत्री रखे जाते हैं, वो मंत्री बनने गया। अच्छा। इसको गेट के अंदर मत आने दो, महल में इलाहाबाद से जो आया था उसको भेज दिया सीधा लखनऊ। नहीं, राजा साहब ने उसको रिस्पेक्ट दिया, उनके दोस्त को। अब बताइए राजा हैं, आज चलो आपको हम दिखाएंगे अभी। कक्षा 1 से 16 तक मेरी भी लड़कियाँ पढ़ती हैं। ना पेशाब का शौचालय अच्छा है, ना पीने का पानी है। कैंटीन में बच्चे भूखे सुबह निकल जाते थे, माताएं नहीं बना पाती थी रोटियां। आज उस कैंटीन में कुत्ते लौट रहे हैं, एक भी समोसा नहीं बनता डिग्री कॉलेज में। कौन से डिग्री कॉलेज का नाम? अरे ये सुषमा, सुषमा डिग्री कॉलेज। किसने बनवाया था? किसको? किसने बनवाया? रानी ने, रानी ने। अच्छा। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस। आज 4 दिन से भाग के आ गए हैं यहाँ कांग्रेस में। जब ये पार्टी जोड़े खोए, नई बनवे खोए, तो कहीं है रामनगर हमारा घर है। हाँ। और राजा सरैया आंगन है। अच्छा। और जीत गई हैं तो इनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई, चाहे मर जाओ भूख के मारे तड़प के। एक एक काम के लिए इसने चमड़ी निकलवा दिया है रामराज बघौरा से। अच्छा, प्रियंका गांधी कह रही है कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है देश के लिए, तो अमेठी जनता वापस से अगर आ रही है प्रियंका गांधी यहाँ पे, तो क्या वापस से अमेठी जनता दे रही है वोट? वोट देगी, लेकिन वादे के सब ये 420 फ्राड हैं। तो फिर क्यों देगी वो? पॉलिटिक्स कहते हो, राजनीति कहते हो रही पूरा चोर नीत चमर नीत। हाँ जी, हाँ जितना अंग्रेज ने इतने दिन में नहीं लूटा। ये बेटी के बाप 5 साल में अपने रिश्तेदारों की घर गाय भैंस मजबूत करते हैं। घरों में इनके 700 जोड़ियाँ जूते चप्पल निकलते हैं, 800-800 जोड़ी। और हमारे पास देखो कई रुपया गया ही। चीना मीडिया हुआ चाहे मीडिया के तू और आगे हुआ, हमसे मीडिया, हम मीडिया से नहीं, हमारे सब सेवक हैं। बिल्कुल सही। इन्होंने शपथ ग्रहण लिया, झूठी सत्य खाई है, और एक पैसे काम नहीं। मेरी नाली बजबरा रही, मेरा गाँव मूत में सड़ रही है, चाहे कांग्रेस में चाहे भाजपा। अच्छा, और तीसरी पार्टी का हक लेना अगर जिंदगी में नौकरी करना है मीडिया का, तो या पैसे से करना है या दम से करना है, जो काम करे उसी को जिताना है। नहीं तो आप, हम तो राय लेने आए थे, आपने बटबक दिए थे। और गांधी परिवार में से कौन पसंद है? अच्छा बताइए, गांधी परिवार पसंद है या फिर भाजपा सरकार? हम का क्या? अरे प्रेमा देवी जी, पानी भरा है कहाँ
अच्छा चलिए, क्या नाम? रविंद्र कश्यप। रविंद्र कश्यप, किसको पसंद करते हो नेताओं में? नेताओं के? हाँ। अभेद मैडम को आइए, नहीं नेता हमारे सामने। देश में कोई पसंद नहीं आ रहा? नहीं नहीं, कोई नहीं पसंद। आपके राहुल भैया? राहुल भाई पसंद है ही। पसंद आ रहे हैं? तो वो तो कह रहे थे अमेठी की जनता नासमझ। नहीं मैडम जी, है कि है मैडम जी नासमझ है अमेठी की जनता? समझ नहीं मैडम, समझ है कि? ये तो राहुल गांधी कह रहे थे। मैडम राहुल गांधी चूतिया है। अभी तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भैया अच्छे हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं, जब बुरे कह रहे हैं तो हम भी उनको बुरे कह रहे हैं। तो आप खुल के बताइए, आपका क्या विचार है, राहुल गांधी अच्छे हैं या कैसे? राहुल गांधी भैया तो अच्छे है ही हैं। तो फिर उन्होंने अमेठी की जनता के लिए इस तरह के बयान क्यों दिए? मैडम जी क्या बताएं, जब मैडम वो झूठे वादे करते हैं इस बात में मैं खलता है। झूठे वादे ना करें, वो झूठे वादे ना करें हमसे। 70 साल से कांग्रेस है, वो झूठे वादे कर रहे हैं। हमसे जो वादे करें पक्के करें। ये वादे हमें ना दें कि आज नहीं हमारी कल सप्ताह आएगी। अच्छा। हाँ, और जब भी आते हैं तो बाहर देश में भाग जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर क्यों यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कांग्रेस के समर्थन में? मैडम वही बात फंसती ना, जब झूठे दिलासे देते हैं तो आदमी फंस जाते हैं। कौन है मारता रहे? हाँ, झूठे दिलासे ना दे, जो करें वो पक्का करें हमारे लिए। अच्छा। हाँ। तो अभी भाजपा सरकार कर रही, क्या कर रही है? वो तो बहुत अच्छा कर रही है जो कर रही है अभी, हमारे टाइम पे वो भी जो कर रही है सही कर रही है। हाँ, पर राहुल गांधी जो करते हैं झूठे दिलासे हमें देते हैं। और प्रियंका गांधी आने वाली है? मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो। मुश्किल लग रहा है क्यों? वो तो कह रही कांग्रेस एकमात्र विकल्प बचा है देश में। अब पता नहीं मैडम, वो जाने, अब हम नहीं जान सकते हैं उसके बारे में। अच्छा, राहुल गांधी और क्या क्या मतलब कुछ विकास किए, अगर आपको भाजपा पसंद आ रही, भाजपा क्या क्या काम किया बता दीजिए। वो तो मैडम बहुत कर रही है। हाँ। वो तो हर एक चीज कर रही है।